वर्षीय वृद्ध की घर में सोते समय संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर का है, जहां 70 वर्षीय वृद्ध शिवलाल पाल अपने घर में सो रहा था और उसका पुत्र मुकेश पाल माता के जगराते में गया हुआ था। जगराता देर तक चलने के कारण वह वहीं पर सो गया और सुबह जब घर आया तो उसने अपने पिता का शव चारपाई सहित जली हालात में देखा। उसने मोहल्ला वालों को एकत्रित किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस मामले में उसके पुत्र मुकेश पाल ने बताया कि उसका पिता घर में रात्रि में अकेले सो रहा था, तब वह माता के जगराते में गया था और सुबह आकर देखा तो वह मृतक अवस्था में जली हालत में पाया गया। क्या नाम है आपका? मुकेश पाल। किस मोहल्ले में रहती हो? रामनगर में। अच्छा, यहाँ पे आज वो आपके पिता की आग से जलकर मौत हुई, क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसे हुई वो? क्या कहते हैं कि हम घर पे नहीं थे ना, और हम झांकी के पास गए थे, तो वहाँ पे हम हो गए लेट। लेट हो गए तो हम सुबह जब आके देखा, हमने मतलब वहीं सो गए हम, तो हमने सुबह आके देखा तो पोजिशन में जली मिली है। जले मिले आपको? हाँ। क्या लगता है आपको कैसी आग लगी होगी? श्रीमान जी, हम क्या कह सकते हैं, बताओ कुछ, कैसी आग लगी होगी पता है? हम क्या बता सकते हैं, बताओ तो क्या मतलब, हम क्या कह रहे हैं बताओ। किसी पे शक है कोई, किसी ने आग लगा दी हो? हमें किसी पे भी शक नहीं है, क्योंकि हमारी किसी से बुराई भी नहीं है। थे पूरा मोहल्ला भी कह रहे कि अगर हमारी किसी से बुराई हो या किसी से भलाई हो, कोई बुराई भलाई नहीं है हमारी किसी से।